स्टार्ट एक्सरसाइज 7.6। ओके, आज हम 7.6 करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर एंड सेकेंड अपना कंप्लीट है। ओके प्रियांशी, स्कूल ओपन हो रहा है, जब तक आकाश में मैसेज नहीं आए तब तक घर ही रहना। ओके, स्कूल ओपन हो रहे हैं, आप पूरा पढ़ा करो। अभी वो आठवीं क्लास के लिए नहीं, ओके, वो 9th से 12th है और वो भी अभी कंफर्म नहीं। ओके 9th से 12th हो सकता है 2 नवंबर से स्टार्ट हो, बट अभी तक कोई ऑफिशियली इंफॉर्मेशन नहीं है, ये अपने स्कूल से अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। आपकी क्लासेस तो अभी नहीं होगी, हो सकता है दिसंबर से स्टार्ट हो। जो भी है न्यूज़पेपर में आ जाएगी और स्कूल से मैसेज आएगा। ओके ठीक है बच्चा। आप ऐसे नहीं कि आप 2 नवंबर को स्कूल में आ जाओ बैग लेके, जब तक स्कूल से आगे पास में इंफॉर्मेशन नहीं आए तब तक आपको स्कूल में नहीं आना। ओके ओके अब देखिए, इसने कहा है अपूर्वा शर्मा ने 7.6 का क्वेश्चन नंबर टू। ओके ये रिपीट करो। तो क्वेश्चन नंबर टू एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड दोनों ही एक जैसे हैं। ओके क्लियर है बच्चों? तो क्वेश्चन नंबर टू एंड थर्ड बोथ आर सेम, दोनों एक जैसे हैं, क्वेश्चन अभी मैं थर्ड करवा रहा हूं तो उसी से सेकंड। भी कवर हो जाएगा। अपूर्वा अपूर्वा आगे बात समझ में। तो क्वेश्चन नंबर, अब ये देखिए थोड़ा सा डिफरेंस है, उसमें डेसिमल में होगा, इसमें लॉन्ग डिवीजन, उसमें डेसिमल में कन्वर्ट, उसमें डिवाइड करना पड़ता है। अब ये जो है आपका डिवाइड बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, ये मैंने आपको समझाया था एक बार में, कुछ क्वेश्चन करवा देता हूँ। ओके अपूर्वा, एक दो क्वेश्चन करवा देता हूँ आपको, क्लियर है? उसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर थर्ड स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर टू रिपीट कर रहा हूं मैं। अपूर्वा आपने रिप्लाई नहीं किया। अपूर्वा वेयर आर यू? क्वेश्चन नंबर टू ओके तो सभी बच्चे देखेंगे, जिन्होंने कर लिया जिन्होंने समझ लिया वो भी। ओके देखिए, क्वेश्चन नंबर वन पूरे नहीं कराऊंगा, एक दो कराऊंगा। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर वन, डिवाइड करना है यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। 7.2 डिवाइडेड बाय 0.8, क्लियर है? ये आपने क्वेश्चन है। लॉन्ग डिवीजन मेथड से करना है, बट आपको इसमें देखना है डिवीजर क्या है। डिवीजर फर्स्ट स्टेप अपनी ये होगी कि जो डिवीजर है उससे हमें पहले जो डिवीजन है उसमें देखना है कि डेसिमल है या नहीं। तो डेसिमल है तो फर्स्ट स्टेप इज कि डेसिमल है हमें रिमूव करना है। ओके रिमूव करने का जो प्रोसीजर है वो आपके इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बता रखा है। ओके देख, लॉन्ग डिवीजन मेथड से डायरेक्ट नहीं होगा, पहले बट पहले हमको इसको रिमूव करना होगा डिवीजर में से डेसिमल पॉइंट को। देखिए 7.2 अपॉन 1, ओके डिवाइड का साइन है 0.8 अपॉन 1, ये हमने किया। अब हमें डेसिमल रिमूव करना है, दोनों में से ही करना होगा। डेसिमल के आफ्टर 1 डिजिट है तो 1 0 लगा। ओके यहां भी डेसिमल के आफ्टर है 1 है तो 1,
और भी इसके मेथड है, बट मैं आपको अकॉर्डिंग टू बुक ही करवा रहा हूँ। ओके, एक डायरेक्ट मेथड भी होता है जो आप नेक्स्ट क्लास में करना। अभी तो मैं बिल्कुल स्टेप कर रहा हूँ, ये हो गया। अब देखिए हम इसको क्रॉस भी कर सकते हैं बट क्रॉस मत करो। 72 हो गया, डिवाइड के साइन की जगह मल्टीप्लाई का साइन हो जाता है, रिसिप और इसे हम रिसिप्रोकल कर देते हैं। ओके, 8 बचा है, इसमें 0 पॉइंट लगाने की जरूरत नहीं। पॉइंट तो हटी गया, जीरो को भी गया। अब देखिए 10 से 10 गया, ओके 1 टाइम गया, तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं। अब देखिए 72/8 बच गया। ओके, अब हम डायरेक्ट इसको यहां से कर सकते हैं बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से करना है। तो हम डायरेक्ट इसको कर सकते हैं, 8 9 72, तो 9 आंसर आ जाएगा बट क्वेश्चन क्वेश्चन में क्या लिखा है कि आपको डिवीजन में लॉन्ग डिवीजन मेथड से करना है, तो यहाँ करने का आपका देते हैं क्वेश्चन इन लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो यहाँ करने के बाद हमने डेसिमल रिमूव कर दिया, अब हम इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से करना। देखिए 72/8 मीन्स क्या हो गया, 72 को डिवाइड करना है 8 से, ये 8 एंड 72, ओके 8 का टेबल बोलेंगे कि 72 आ गया। ओके, तो 8 9 जा 72, ओके सिंपल सा है। 8 9 जा 72, माइनस क्या कुछ भी नहीं होता, क्रॉस लगा सकते हो या जीरो भी इसमें लगा सकते हैं। तो अपना क्वेश्चन क्या हो गया, क्वेश्चन 9, और ये यहाँ पे क्लियर है अपूर्वा। अपूर्वा क्लियर है। मैं और समझा देता हूँ आपको, एक और बता देता हूँ। ओके, ये रख पर रहूंगा। इसका शॉर्ट मेथड भी है, बट आप तो इसी मेथड से करना। ओके, एक मेथड और मैं बता देता हूँ आपको। इसको जो डी क्वेश्चन है वो डिफरेंट मेथड से आपको करना है, बिकॉज इस मेथड से वो काफी लॉन्ग होता है। तो अब मैं आपको एक मेथड और बता रहा हूं, ओके, वो है क्वेश्चन नंबर डी। आप दोनों मेथड से कर सकते हैं। आप देखिए क्वेश्चन नंबर डी में क्या है, 0.0024। ओके, देखिए अच्छी तरह समझना, 0.0024, ओके डिवाइड 0.6, ओके डिवाइडेड बाय 0.6। आप देखिए इससे पहले वाला मेथड क्या था, हम इसके नीचे 1000 कर रहे थे, ओके इसके नीचे 10 और फिर रिसिप्रोकल कर रहे थे, उसके बाद में हमें करना, तो काफी लॉन्ग प्रोसेस हुआ हो रहा था। अब इस तरह में तो और भी ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। तो इसका सेकंड मेथड क्या है, डिवीजर के। यहां तो इक्वल है कि जो डिवीजर है उसमें से हमें डेसिमल रिमूव करना। ओके, विदाउट इसको रिमूव कराए हम डायरेक्ट नहीं कर सकते। तो ये कंपलसरी है, ये फर्स्ट स्टेप है और इसको रिमूव जरूर करना है। अगर ये वर्ड नंबर में तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, ओके लॉन्ग डिवीजन, बट यहाँ डेसिमल है तो पहले इसको रिमूव करना। अब देखिए डेसिमल के आफ्टर कितना है, 1 डिजिट है। कितना है, 1 डिजिट। तो हम डेसिमल को शिफ्ट कर देंगे राइट हैंड पे। ओके। तो राइट हैंड पर शिफ्ट करने से 6 अपने पास में वर्ड नंबर बच गया, 1 नंबर है, 1 नंबर इधर। अब देखिए यहां पर 1 नंबर है ना, तो यहां पर भी हम इस डेसिमल को 1 नंबर राइट हैंड पे कर देंगे, ओके तो ये डेसिमल नंबर यहां पर आ जाएगा। ओके नाउ अब अपना क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 0.024 डिवाइडेड बाय 6। अब ये क्वेश्चन अपने पास में बच गया, ओके अब इसको करना इजी हो गया। अब हम इसको कर सकते हैं डायरेक्टली, आप इसको क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं या फिर
अपॉन करके भी कर सकते हैं, बट वो प्रोसेस लॉन्ग हो जाएगा, तो हम अब इसको डायरेक्ट करते हैं। सिक्स से हमने डिवाइड किया 0.024, लॉन्ग डिवीजन मेथड से करना है इसलिए जरूरी है, अदरवाइज वी विल डू इन डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट कर सकते हैं 0.0 लगा के। ओके, अब देखिए यहां तो जीरो, तो सिक्स के टेबल में जीरो नहीं आता तो जीरो पुट कीजिए। ओके, फुल मेथड बता देता हूं मैं आपको, जीरो माइनस किया कुछ नहीं। अब यहां डेसिमल आ रहा है तो डेसिमल को रिप्लेस कर देंगे जस्ट यहां पे। ओके, यहां डेसिमल हम कॉपी नहीं करेंगे, अब है कॉपी डाउन जीरो। सिक्स के टेबल में जीरो नहीं आता, जीरो टाइम्स आता है, तो यह हमने जीरो। ओके, नेक्स्ट हमने कॉपी किया, यहाँ ही कर सकते हो, यहाँ भी कर सकते हो। ये सिक्स के टेबल में टू आता है, नहीं आता, सिक्स वन जस्ट सिक्स होता है, तो फिर हमने जीरो पुट किया। ओके, नहीं जा रहा तो जीरो। नेक्स्ट हमने कॉपी किया फोर। ओके, आप देखिए सिक्स से 24 जा रहा है, यस जा रहा है, सिक्स फोर जाए 24, सिक्स से फोर जाए 24, 24 में 24 माइनस किया जीरो। ओके, आंसर इज 0.004 और ये हमारा क्या हो गया क्वेश्चन, क्लियर है? तो इस मेथड से अपने टू स्टेप्स से काम, तो आप इस मेथड से भी कर सकते हैं और उस मेथड से। ये होता है अपना लॉन्ग डिवीजन मेथड, बस आपको डेसिमल को रिमूव करना होगा डिवीजन में से। ओके, फिर आप कर सकते हैं। एनी प्रॉब्लम? अपूर्वा क्लियर है? अपूर्वा रणवीर प्रतीक लिपिका अनिश नव्य देवांश राजवीर, बट आपको इसकी प्रैक्टिस करनी होगी, आप प्रैक्टिस करोगे तो कर पाओगे। ओके ओके, तो अब हम करें क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब देखिए आज का टॉपिक अपना क्या था, क्वेश्चन नंबर थर्ड, डिवाइड बाय चेंजिंग द डेसिमल नंबर इनटू डेसिमल एंड एक्सप्रेस द क्वेश्चन ए डेसिमल नंबर। आपको क्वेश्चन जरूर रीड करना है, उसको माइंड में भी रखना है, उसी के अकॉर्डिंग हमें सॉल्यूशन करना है कि हमें फर्स्ट में क्या करना है। क्वेश्चन नंबर डिवाइड बाय चेंजिंग द डेसिमल नंबर इनटू डेसिमल फ्रैक्शन, डेसिमल नंबर को डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, ठीक है, एंड एक्सप्रेस, और जो भी क्वेश्चन आया है उसे भी हम डेसिमल नंबर में लिखते हैं। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग अब हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3.9 डिवाइडेड बाय 0.3 वीडियो पोस्ट है, बाकी स्टूडेंट्स के भी है क्या पोस्ट? नव्या मल्होत्रा, अपूर्वा, वीडियो पोस्ट है? बट यहाँ तो कोई इश्यू नहीं है बच्चों, यहाँ तो प्रॉपरली आ रहा है, आपके मैसेज भी आ रहे हैं, मीन्स आपके वहां कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम होगी। नव्या मल्होत्रा के पास क्लियर है? ओके, अब क्लियर है?
क्लियर है बच्चा? यस, देखते हैं अब इस क्वेश्चन को हम। प्रत्येक दिखाई नहीं दे रहा क्या अभी भी? ओके, आपके लिए है। अब देखिए, ये हमें करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करना है, तो सबसे पहले हमें इसमें डेसिमल को रिमूव करना होगा। ओके, क्वेश्चन वापस लिखते हैं, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। 3.9 1 0.3 अपॉन 1, डेसिमल रिमूव कीजिए, डेसिमल के आफ्टर 1 डिजिट, डेसिमल के आफ्टर 1 डिजिट, ये आपको आती है स्टेप। ओके, अब देखिए इससे हम रिसिप्रोकल करते हैं। 39 10 मल्टीप्लाई का साइन आ जाता है यहाँ पर, डिवाइड की जगह, और हम इसको रिसिप्रोकल करते हैं। 10 को न्यूमरेटर बन गया एंड 3 डिनोमिनेटर। ओके, ये भी हमें आता है। अब इसमें हमें क्या करना है, इससे इसको क्रॉस करना है। 10 10 कभी भी यू ओरिजेंटल इस तरह से ये वर्टिकल है। ओके, तो अपनों को देखना है कि ऐसे नहीं कि हमने इस टेन से या इसको या इससे इसको डिवाइड करें, आप केवल न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर को ही आपस में कर सकते हैं, चाहे वो इधर हो या इधर। ओके, तो वर्टिकल ही होगा चाहे या फिर क्रॉस में, ओरिजेंटल आपको नहीं लिखना है। ऐसे नहीं कि यहाँ पर भी 20 लिखा हो तो आप 10 से 20 क्रॉस करते हो, रॉन्ग हो जाए। ओके, ये हमने कर दिया। अब देखिए आपके पास में क्या हुआ, 39 अपॉन 3। अब लॉन्ग डिवीजन मेथड तो इसमें करना नहीं है। ओके, आप इसको सिंपल मेथड से भी कर सकते हैं। देखिए 3 1 3, 3 से क्रॉस हो रहा है, यस हो रहा है, 3 1 3, 3 3 3 9, क्या बन गया रिमेनिंग पार्ट, ओनली 30 और कुछ भी नहीं है, तो 1 से कोई मतलब नहीं, फिर 13 1 13 होता है। ओके, ओनली अपने पास में आंसर क्या है, 30, ये क्वेश्चन हो गया। इसमें डेसिमल नहीं, बिकॉज वर्ल्ड नंबर तो लास्ट वाला डेसिमल। क्लियर है? लिपिका, आयुष, प्रतीक, रणवीर, आगे बच्चे समझ में? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 ये रफ कर रहा हूं, सेंड कर दूंगा आपके पास में। सी क्वेश्चन नंबर बी, 5.4 5.4, ओके, डिवाइडेड बाय 0.02, बिल्कुल सिंपल है सॉल्यूशन। 5.41 0.02 और 1, ओके, 1 सॉल्व में करना है। डेसिमल के आफ्टर क्या है, 10 है, या डेसिमल के आफ्टर 2 है, 1 2, तो हमें ओके। अब अपने पास है 54 अपॉन 10, डिवाइड का साइन है, जब भी हम डिवाइड करते हैं फ्रैक्शन में डिवाइड का साइन चेंज हो जाता है, इंक्रीमेंट में हो जाता है, मल्टीप्लाई करते हैं, ये रिसिप्रोकल हो गया। ओके, 100 ऊपर और ओनली 2 है, 0 0 लिखने की कोई जरूरत नहीं है।
अब देखिए जीरो से हमने इस जीरो को क्रॉस कर लिया, यहां जीरो होता है वहां से भी कर सकते हैं, ओके जैसा हमें इजी लगे। अब देखिए अपने पास ऑप्शन है कि टू से हम टेन को भी डिवाइड कर सकते हैं, ओके टू फाइव जो टेन होते हैं, इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, टू से इसको भी हम कर सकते हैं, जैसा आपको इजी लगे उस तरह से कर सकते हैं। मैं इससे ये भी कर सकता हूँ, ये भी, तो मैं टू वन जा टू, ओके और इसी को कर देता हूँ, ये टू फाइव जा यू भी क्रॉस कर सकते हैं, यू भी या फिर यू भी, ओके ऐसे मत करना, सीधा ऐसे मत करना, टू फाइव जा टेन यू रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट रिमेनिंग पार्ट क्या है, 54 इंटू फाइव, ओके और नीचे कुछ भी नहीं है, वन है उसकी जरूरत नहीं होती। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई आप चाहो तो रफ में कर देना, ओके या फिर डायरेक्ट कर सकते हैं, 5 4 5 से इसको किया 5 4 20 20 का जीरो, रिमेनिंग टू 5 5 25 25 में टू प्लस किया 2 से 20, ये हो गया आपके क्वेश्चन, ओके क्लियर है, समझ में आ गया आपको। सभी क्वेश्चन मेथड्स होंगे, डिजिट्स तो उसमें अलग डिफरेंट रहेंगे बट मेथड सेम। देखिए अब कौन सा करें, क्वेश्चन नंबर सी कर लें, ओके नंबर से करते जाते हैं अपन, अच्छा देखिए 0.036 डिवाइडेड बाय, ओके डिफरेंट मेथड से मैं कर रहा हूं बट आपको वैसा नहीं करना, केवल मैं आपको बता देता हूं इसको नेक्स्ट मेथड से कैसे करते हैं। देखिए 0.036 और इसी के नीचे हम 0.9, ये सेकंड मेथड है, बस मैं आपको बता रहा हूं कि इस तरह से भी हम कर सकते हैं। अब देखिए इसके भी दो मेथड है, या इसको पॉइंट को इधर लिया, इसको रिमूव कर दें या फिर इनटू का साइन, ओके देखिए यहां पर दोनों जगह 1 पुट करना, डेसिमल के आफ्टर 1 डिजिट है तो यहां पर 0 और ये हट गया, यहां डेसिमल के आफ्टर 3 है 1 2 3 तो यहां 1 2 3, ये हो गया, ओके ये नेक्स्ट मेथड में करवा दो, जो भी क्रॉस होना है उसको कर दो, ये हो गया। अब देखिए इसमें कौन सा हो सकता है, ये हो सकता है 9 से 36 हो रहा है तो 9 होगा 9, 9 4 जा 36, ओके अब अपने पास में क्या बचा 4 अपॉन 100 है, नीचे 20 है तो इन 20 को हम रिमूव करने के लिए, ओके जैसे ऊपर डेसिमल होता है तो डेसिमल के आफ्टर जितने डिजिट होता है उतने ही हम जीरो लगा देते हैं, तो नीचे वाला ऑपोजिट हो जाता है, तो हम इसको लेफ्ट में चले जाए डिवाइड करते हैं तो लेफ्ट कि ये फोर लिखा, यहाँ देखिए 1 and 1 2 कितने जीरो है 2, यहाँ से हम 2 नंबर्स ट्रांसफर करते हैं तो यहाँ से 1 हो गया, तो यहाँ तो कुछ नंबर है नहीं, ओके तो 0 किया और ये 2 हो गया, यानी कि यहाँ पर अपना आंसर हो गया 0.04, ओके तो यहां पे 0, ये सेकंड मेथड है, ये भी मैंने आपको करवा दिया, आप इसको नोट आउट कर लीजिए, ओके जैसा आपको इजी लगे आप कर सकते हैं। डू फास्ट,
कर लिया प्रतीक आपने लिपि का, उदय ठीक है, ये मैंने सेकंड मेथड से किया है। ओके, आपको जैसा इजी लगे, आप दोनों मेथड आपको आने चाहिए, इसलिए मैंने वो क्वेश्चन से वो डिफरेंट मेथड से किया है, उसमें लॉन्ग प्रोसेस होता है। ओके, लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं, बस वो लॉन्ग प्रोसेस है, और इसमें आपने कुछ स्टेप्स कम हो जाती है हर में तरह से। आंसर क्या है दोनों का? राइट, सेम आता है आंसर। डी क्वेश्चन, ओके, डी करवा देता हूं मैं, डी में थोड़े नंबर्स भी बड़े हैं। टू पॉइंट टू फाइव, 0.015। ओके, सेकेंड मेथड से करवा देता हूं या फर्स्ट से कराओ? टू पॉइंट टू फाइव वन, 0.015 जीरो, डेसिमल रिमूव करना है, 20 लग गए। ओके, यहाँ डेसिमल के आफ्टर 1 2 3 डिजिट है, तो 3 0। रेसिप्रोकल क्या? इसे रेसिप्रोकल किया, एनी प्रॉब्लम? यहां तक तो आता है ना, अब देखिए 0 0 ये हो गया क्रॉस। ओके, अब देखिए ये हम आपस में क्रॉस कर सकते हैं, ये 15 है और ये 10 है, मीन्स दोनों की कौन से नंबर से डिवाइड हो सकते हैं? 5 से। ओके, इसके अलावा ये भी 5 से हो सकते हैं। ओके, तो जैसे अपनी इच्छा हो वैसे कर सकते हैं, मैं इसको कर देता हूँ 5 3 जाए एंड 5 2 जाए। ओके, अब इससे इसके नंबर में टेबल में 2 तो नहीं आते, तो ये देखते हैं आते हैं क्या। डिविजिबिलिटी टेस्ट आपको आना चाहिए, 5 2 7 7 प्लस 2 9, यानी कि 9 है नीचे 3 है, मीन 3 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। आप चाहे तो रफ में भी कर सकते हैं, ये रफ में कर लेना डिवाइड, 3 7 जा 21, 3 5 15। ओके, ये हमने डिवाइड किया, 75 आ गया। ओके, आपको डायरेक्ट आना चाहिए 3 7 21, 1 रिमेनिंग पार्ट है, यहाँ में प्लस किया 15 हो गए, 3 5 15। ओके, 75 और क्या बच रहा है इधर? ओनली 2 और कुछ भी नहीं। ओके, यानी कि 150 क्वेश्चन, यह आपका रफ वर्क रहता है डिवाइड, आप चाहे तो इसे कर भी सकते हैं, अदरवाइज कोई बात नहीं। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्लास में, ओके, जो भी इसके रिमेनिंग पार्ट है उसमें जो भी प्रॉब्लम हो वो आप पूछना, उसके बाद में अपनी ये चैप्टर जो है एक्सरसाइज 7.6 कंप्लीट हो जाएगी, और 7.7 इसमें लास्ट है। ओके, तो आपको इसमें प्रैक्टिस करना है, क्योंकि आप प्रैक्टिस करोगे तभी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो। ओके, वेरी गुड लिपिका, और फिर भी अगर आपको नहीं आए तो फिर नेक्स्ट क्लास में और आप पूछना, बट आप इसको जो भी इसके मेथड होते हैं, 2 मेथड है, ओके, 3 जो भी है, सभी मेथड आपको आने चाहिए, इसलिए मैंने डिफरेंट मेथड से कर दिए दोनों क्वेश्चन। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।